सितंबर को संघी कॉलोनी में दुकानदार पर गुंडों ने हमला कर दुकानदार और उनके बेटे का सिर फोड़ दिया था। जैसे ही ये खबर सिंधी कॉलोनी के अध्यक्ष गोपाल कोटवानी को पता लगी तो वो और उनकी टीम तुरंत दुकानदार के पास पहुंच गए। इस घटना से वहां के व्यापारियों ने उग्र रूप ले लिया है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 बदमाशों पर कार्रवाई की है। कल जो सिंधी कॉलोनी के पूजा स्वीट पर कुछ बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की थी और मारपीट की थी, उस संदर्भ में कल जो FIR हुई है उसमें पुलिस ने हमको जो जानकारी दी है, करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 ही नामदर्ज हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को संत कंवरराम व्यापारी संघ की तरफ से, सिंधी कॉलोनी रहवासी संघ की तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, गुंडे मवाली पकड़े गए। और मैं चाहता हूं कि सिंधी कॉलोनी में जो ब्राउन शुगर का अवैध व्यापार चल रहा है और बाहर के लोग यहां आके ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, तो मेरा पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से, थाना जुनिंदौर के TI साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस काले धंधे को भी बंद कराएं, इस पर भी अंकुश लगाएं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो अभी बड़े नहीं हुए, नन्ही सी पौध जिन्होंने अभी जीवन देखा ही नहीं है, उनकी जवानी आने के पहले बचपन में ही उन्हें जहर मिल जाए जिससे उनके परिवार भी बर्बाद हो जाएं और वो बच्चे भी बर्बाद हों। मेरा निवेदन है पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर कि हमारे क्षेत्र से और पूरे इंदौर से ब्राउन शुगर तो हटना चाहिए, ब्राउन शुगर बंद होना चाहिए, चरस अफीम गांजा ये बंद होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये अच्छे पुलिस काम करेगी तो पुलिस को हम सहयोग करेंगे और सहयोग करते आए हैं। पुलिस की प्रशंसा भी हम कर रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया कल रात को। हम पुलिस को फिर से बधाई देते हैं, पर निवेदन ये भी करते हैं कि जल्द से जल्द सिंधी कॉलोनी संत कंवरराम उद्यान से जो ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है, गली नंबर 3 माता के मंदिर के आसपास गुंडे मवाली बैठे रहते हैं, तो ऐसे गुंडे मवालियों को भी यहाँ से हटाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमसे पुलिस को जो मदद चाहिए हम मदद देने के लिए तैयार हैं। और फिर से मैं पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।